अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, ईद आने वाली है, तो मैं रूम की क्लीनिंग करने वाली थी, तो यहाँ से मैंने सभी बर्तन नीचे उतार लिए हैं। इन सभी बर्तनों को मैं करने लगी थी वॉश। इनमें कुछ कांच के बर्तन भी थे और कुछ स्टील वगैरह के, प्लास्टिक के बर्तन भी थे, तो मैं इनको अच्छे से साफ कर रही हूँ। और ये दो दिन की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है। एक दिन मैंने रूम की क्लीनिंग की थी और नेक्स्ट डे मैंने फ्रिज और किचन क्लीन किया था नेक्स्ट डे। तो अभी मैं सारे बर्तन वॉश करने लगी हूँ रूम के, जो कि मैंने नीचे उतारे थे अभी। तो इन सभी बर्तनों को मैं वॉश कर रही हूँ अच्छे से। और बर्तन धोने के बाद जैसे ही मैंने बर्तन को रख दिया था कुछ देर सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए, और इस बीच में मैंने क्लीनिंग की थी शेल्फ़ की। शेल्फ़ को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था, काफ़ी सारी डस्ट निकली थी वहाँ पर भी। सारी क्लीनिंग मैंने एक ही दिन नहीं की थी, क्योंकि और भी बाकी सारे काम रहते हैं घर के, ट्यूशन के लिए बच्चे भी आए हुए होते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर वगैरह भी उसी में रहता है डेली रूटीन में, तो वो भी सारे काम डेली रहते हैं। और पार्लर का भी आजकल काम थोड़ा ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने दो दिन में क्लीनिंग पूरी की थी। तो अभी बर्तन को मैंने वॉश करने के बाद अच्छे से ड्राई कर लिया था, और जितने बर्तन ड्राई हुए हैं मैंने अच्छे से यहाँ से क्लीन कर लिया था शेल्फ को। उसके बाद में मैं ये सभी बर्तन यहाँ पर सेट करने लगी हूँ अच्छे से। और बर्तन मेरे सेट हो चुके थे, उसके बाद में मैं क्लीनिंग कर रही थी ऊपर वाली जो शेल्फ है, जितने भी शो पीस हैं और गिफ्टेड आइटम थे वो सभी मैं क्लीन करके अच्छे से मैंने रख दिए हैं। उसके बाद में मैं बेड की क्लीनिंग करने लगी थी। जैसे कि ये डिज़ाइनिंग में है मेरा बेड कुछ ज़्यादा, तो इसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इसको साफ़ करना। सिंपल बेड के अकॉर्डिंग इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्लीन करने में। और उसके बाद में बेडशीट मैं सेट कर रही हूँ अच्छे से, और बेडशीट को मैंने सेट कर दिया है और कॉलिन से अच्छी तरह से मैंने बेड क्लीनिंग कर दी है। और उसके बाद में मैं करने लगी थी ड्रेसिंग को ऑर्गेनाइज़, क्योंकि कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई थी तो उनको मैं वापस से सेट करने लगी थी। और इस ड्रेसिंग के अंदर काफ़ी सारी अच्छी शेल्फ हैं बनी हुई, जिसके अंदर मैं इजीली बहुत सारा सामान ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर कोई भी मेरी यूज़ की चीज़ें होती हैं, वो सभी मैं इसमें रखती हूँ ऑर्गेनाइज करके इजीली, और मुझे कहीं और स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतना स्पेशियस है इसमें शेल्फ वगैरह, मिरर के पीछे काफ़ी सारी हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है सारा सामान ऑर्गेनाइज़ करना। ये देखें, ड्रेसिंग मेरा अच्छे से ऑर्गेनाइज हो चुका है, जो चीज़ें थोड़ी बहुत इधर उधर हो गई थी उनको मैंने वापस से सेट कर दिया है। और ये देखें, एकदम नीट एंड क्लीन मेरा ड्रेसिंग हो गया है, ये देखें। और ये मैंने अच्छे से इसकी मोल्डिंग वगैरह की अच्छे से क्लीनिंग की है कॉलिन से। और ये इसके डोर को भी मैंने यूज़ किया है मास्क वगैरह के लिए, और कुछ स्पैक्स वॉचेस और इयररिंग्स वगैरह रखी हैं मैंने। और ये एक साइड पर मेरे बेटे के प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं, जो कि 12 तारीख से वहाँ पर सबमिट होंगे, इसलिए मैंने उन्हें एक साइड पर रख दिया है, ताकि एक साइड को रख के वो सेफ़ रहें, किसी का गंदा हाथ वगैरह ना लगे चार्ट पेपर वगैरह पे। और शेल्फ पर बर्तन भी मैंने सेट कर दिए थे। और ये देखें, रूम मेरा क्लीन हो चुका है, बुक शेल्फ भी मैंने अच्छे से सेट की थी, पेन स्टैंड भी। और यहाँ से कर्टन्स मैंने निकाला था विंडो का, और उसको भी मैंने वॉश करने के लिए डाल दिया था। और ये देखें, अभी काफ़ी सारी गंद निकली थी रूम से, तो इतना सारा कूड़ा इकट्ठा हो गया था, तो अभी मुझे लगानी थी झाड़ू, और उसके बाद मुझे लगाना था मॉप, और उसके बाद में होती इस रूम की क्लीनिंग फिनिश। ये देखें, इतना सारा यहाँ पर पेपर वगैरह इकट्ठा हो गए थे, जो कि मेरे बेटे ने इस पर ड्राइंग वगैरह की हुई थी, तो ये मैंने सभी निकाले थे उसके टॉयज़ में से, टॉयज़ में इकट्ठा करके उसने रखे हुए थे, तो ये सभी मैं एक साथ इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल दूंगी, ताकि मुझे इजी हो झाड़ू लगाने में। किचन वगैरह से अच्छे से मैंने झाड़ू से साफ़ किया है, और उसके बाद में मैं लगाने लगी थी मॉप।
और रूम की क्लीनिंग होने के बाद मॉप लगाने में और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ऐसा लग रहा था और भी ज़्यादा क्लीन हो गया है रूम, और बहुत ज़्यादा बर्तन अच्छे से शाइन कर रहे थे और डस्ट वगैरह सारी निकल गई थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। रूम एकदम फ्रेश फ्रेश और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये देखें, रूम मेरा क्लीन हो चुका है। ये देखें, बर्तन एकदम शाइन कर रहे थे और ड्रेसिंग भी मैंने ऑर्गेनाइज एंड क्लीन किया था अच्छे से, और अलमीरा के ऊपर से भी मैंने काफ़ी सारी डस्ट साफ़ की थी, जो कि बहुत ज़्यादा डस्ट वहाँ पर भी आ जाती है, तो ये सभी मैंने क्लीन कर दिया है अच्छे से। फ्लोर मेरा एकदम चमक गया है, ये देखें। उसके बाद मुझे करनी थी कल किचन की सफाई, जो कि किचन अभी क्लीन होने से मेरी रह गई है। और ये है मेरा किचन टॉवल, जो कि मैं इसको वॉश कर चुकी हूँ, और ये देखिए एकदम क्लीन हो गया है। ये किचन टॉवल को मैं रात में भिगो के रखती हूँ, डिप करके रखती हूँ पानी में, थोड़ा सा विनेगर और सोडा मैं उसमें ऐड करके रखती हूँ, और डिश वॉश थोड़ा सा डालती हूँ लिक्विड वाला, और बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। सुबह में मैं उसको वॉश कर देती हूँ तो काफ़ी डस्ट उसके अंदर से निकलती है, पानी भी पूरा ब्लैक हो जाता है। और सबसे ज़्यादा अच्छी ये बात है कि किचन टॉवल में से फिर स्मेल नहीं आती है अजीब सी, तो इसलिए मैं इस तरह से किचन टॉवल धोती हूँ, वॉश करती हूँ। और ये देखें, मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी और सारे कपड़े मैंने वॉश कर लिए हैं। उसके बाद में तीन बेडशीट्स मैंने ड्रायर में डाली हुई थी, उनको भी मैंने निकाल लिया है, और कपड़े भी मैंने काफ़ी सारे धोए थे आज। और ये देखें, इस रूम की क्लीनिंग भी मैं करने लगी थी अच्छे से, मॉप वगैरह मैंने लगा दिया है यहाँ पर, और जितने भी कपड़े थे उनको मैं यहीं पर आज डालूँगी। ये देखें, काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठा हो गए थे, और यहीं पर मैंने एडजस्ट किया है सभी कपड़ों को। इन कपड़ों के अलावा भी तीन बेडशीट्स थी जो कि अलग में मैंने रखी हुई हैं। एक बेडशीट मैंने यहाँ पर गेट पर डाल दी है, और दूसरी मैंने यहाँ विंडो पर डाली है, और एक और बेडशीट मैं लेकर आई हूँ जो काफ़ी हैवी थी, इसको भी मैंने गेट पर ही डाला है अभी फ़िलहाल। और ये देखें, रूम मेरा हो गया है ऑलमोस्ट क्लीन, कपड़े भी मेरे अच्छे से वॉश हो चुके हैं, और रूम भी मेरा क्लीन हो चुका है। उसके बाद मुझे लगने लगी थी गर्मी, और मैं चली गई थी नहाने के लिए, और कुकिंग की कोई भी चीज़ें मैंने आज आपके साथ नहीं शेयर की हैं। और उसके बाद मैंने ये भी क्लीन किया था, जो कि मेरा पार्लर का कुछ थोड़ा सा सामान वो बाहर रखा हुआ है, और फिर शाम में मैंने कुकिंग की थी, खाना वगैरह बनाया था। और अब है नेक्स्ट डे मुझे करना था फ्रिज की क्लीनिंग, ये फ़ैन मुझे निकाल के क्लीन करना था अच्छे से, ये भी काफ़ी इसमें डस्ट जमा हो गया था, ये देखें। और मैं करने लगी हूँ फ्रिज की क्लीनिंग, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो दो दिन का मैंने ये व्लॉग आपके साथ शेयर किया है। तो मैंने फ्रिज में से सारी ट्रे वगैरह सब निकाल लिया था, सारा सामान बाहर निकाल के रख लिया था मैंने, ये देखें। सबसे पहले मैं करने लगी थी फ्रिज की क्लीनिंग, और मॉर्निंग का हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था, दोपहर के लिए रोटियां वगैरह मैंने बना लिया था, और उसके बाद करने लगी थी मैं फ्रिज की क्लीनिंग। बीच बीच में मैं फ्रिज को क्लीन करती रहती हूँ, बट फिर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था फ्रिज, और आज मैंने इसकी सारी शेल्फ वगैरह निकाल के अच्छी तरह से ही मैं इसको क्लीन करूँगी। फ्रिज मेरा बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका था, ये देखें। इसको अच्छी तरह से क्लीन करने में भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, ये देखें एकदम मैंने क्लीन कर दिया था। उसके बाद में मैं ये सब चीज़ें इसमें एडजस्ट करने लगी हूँ, शेल्फ वगैरह इसकी, और ये ट्रे वगैरह मैं इसमें लगाने लगी हूँ। ये अच्छे से मैंने वॉश करके रख दी थी एक साइड पर, सबसे पहले इन्हीं को वॉश किया था मैंने, और ये ग्लास मैंने यहाँ पर लगा दिया है, बास्केट भी मैंने लगा दी है, और अब मैं एडजस्ट करने लगी हूँ सारा सामान फ्रिज का। और ये मैट हैं, हीट प्रूफ हैं ये, और काफ़ी अच्छे रहते हैं, इनको अच्छे से निकाल के वॉश कर सकते हैं आप, और फ्रिज की जो शेल्फ हैं ये डैमेज नहीं होती हैं बिल्कुल भी, और एकदम साफ़ सुथरा रहता है फ्रिज भी हमारा।
तो इनको निकाल के भी क्लीन कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी रहती हैं। तो इसलिए मैंने ये शीट ले रखी हैं फ्रिज में। सभी बॉटल्स को भी मैंने अच्छे से वॉश करके एक साइड पर रख दिया था, तो उनको भी मैंने सेट कर दिया है, और जितने भी स्पाइसेस वगैरह थे उन्हें भी मैंने यहाँ पर अच्छे से सेट कर दिया है। और सारे डब्बों को मैंने अच्छे से पहुँच कर साफ़ करके रखा था, उनको वॉश नहीं किया था मैंने। तो ये देखें, फ्रिज मेरा क्लीन हो चुका है, अंदर से पूरा फ्रिज क्लीन हो चुका था। उसके बाद में मैं बाहर से क्लीन करने लगी थी फ्रिज को, जो कि बाहर से भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। और फ्रिज को अच्छे से हम क्लीन करने के बाद जब सामान को सेट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस निकल जाता है, काफ़ी स्पेस दिखाई देता है, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें हम निकाल देते हैं फ्रिज में से, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्लीन होने के बाद। ये देखिए, सारा सामान मैंने एडजस्ट कर दिया है, और एक शेल्फ अभी भी बची हुई है मेरी, जिसमें मैं और बाकी भी सामान रख सकती हूँ। उसके बाद में मैं करने लगी थी किचन की क्लीनिंग, ये टाइल्स वगैरह फ़िल्टर वगैरह मैं अच्छे से क्लीन करने लगी थी। और एक शेल्फ़ ऊपर भी है यहाँ पर, एक ग्लास की शेल्फ, उस पे से मैंने यहाँ से सामान उठाया है सारा, और उनको वॉश करने लगी हूँ बर्तन को जो वहाँ पर लगे हुए थे। मैं यूज़ में नहीं लेती हूँ इन सभी सामान को, और ये वहाँ पर मैं ऐसे ही लगा कर रखती हूँ। और ये एक ट्रे थी यहाँ पर, चॉपिंग बोर्ड प्लस ट्रे थी एक यहाँ पर ऊपर रखी थी ग्लास वाले शेल्फ पर, जो कि मुझसे टूट गई थी इस वाले शेल्फ पर, ये देखें। तो इसको मैंने डस्टबिन में डाल दिया था। उसके बाद में उस शेल्फ को अच्छे से क्लीन करने के बाद वहाँ पर मैंने बर्तन वापस से लगा दिए थे, जो भी वहाँ से बर्तन मैंने निकाले थे वॉश करके वापस से अच्छे से वहाँ पर लगा दिए थे, मैंने सेट कर दिए थे। और ये आरओ का पाइप भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। दो पाइप यहाँ पर लगे हुए थे, उनको मैंने अच्छे से क्लीन किया है। और ये देखें, इस शेल्फ को भी मैंने क्लीन किया था, टाइल्स वगैरह को सभी को मैंने क्लीन कर लिया है। और ये वाली शेल्फ को मैंने अच्छे से क्लीन करके वापस से यहाँ पर सारे जो भी यहाँ पर सामान रखा हुआ था उसको वापस से लगा दिया है। और ये देखें, किचन मेरा ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है, और टॉप काउंटर वगैरह भी अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया था। उसके बाद में नीचे की ये शेल्फ बची हुई होती हैं, जितना भी स्टोरेज का सामान मैं यहाँ पर रखती हूँ नीचे स्पाइसेस वगैरह या स्टोरेज का, तो वो सभी अभी ये वाली ड्रॉर्स रह जाती हैं क्लीन करने के लिए, तो इनको भी मैं क्लीन करूँगी। और फ्रिज मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है बाहर से भी, ये देखें एकदम क्लीन हो चुका है। और उसके बाद में ये वाला जो किचन वाला फ़ैन था ये मुझसे नहीं निकल पाया था, और तो ये रह गया था अभी क्लीन करने के लिए, इसको मैं निकाल कर क्लीन करने की कोशिश करूँगी लास्ट में। अभी फ़िलहाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, तो इसलिए मैंने इसको चलाया हुआ था। और ये सारे कपड़े जो कि वॉश किए थे ये सारे सूख चुके हैं, ये देखें अच्छे से, और आयरन करके मैंने इनको रख दिया है एक साइड पर। क्लीनिंग के साथ ये सभी काम भी चलते रहते हैं, इसलिए एक साथ क्लीनिंग नहीं हो पाता है। और फिर उसके बाद में अच्छे से मैंने फिर ये क्लीन करना था, ये वाला एक सेक्शन था, ये वाला क्लीन करना था मुझे, जिसके लिए एक साफ़ कपड़ा लिया था मैंने, उस पर लगाया था मैंने लिक्विड सोप, और इसको इस तरह से अच्छे से रगड़ रगड़ के मैंने साफ़ किया था। जैसे कि यहाँ पर ऑयल पेंट था तो ईज़िली यहाँ से साफ़ हो जा रहा था, और इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और ये देखें, ये एकदम क्लीन हो चुका है। और इसकी शेल्फ जो मैंने ये पार्टीशन बीच में लगाया है इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। इस पर मैंने एक वॉलपेपर की स्ट्रिप कट करके यहाँ पर बिछाई थी, और ये देखें इस तरह से मैंने सारा सामान सेट कर दिया था। और ऑयल का जो ये कंटेनर था इसको भी मैंने अच्छे से यहीं पर साफ़ कर दिया है, क्योंकि ये काफ़ी हैवी था और मुझसे नहीं उठाया जा रहा था, तो मैंने यहीं पे क्लीन कर दिया है। और बाकी पूरी ड्रॉर मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर दी है। उसके बाद में बाहर से मुझे क्लीन करना था, ये भी थोड़े गंदे मुझे दिखाई दे रहे थे, तो इसको भी मैंने लिक्विड सोप से अच्छी तरह से साफ़ किया है, और सूखे कपड़े से फिर से एक बार से साफ़ कर दिया है, तो ये एकदम क्लीन हो गया था। और अब आ जाती है दूसरी वाली ड्रॉर की बारी, और ये ड्रॉर को भी मैंने अच्छे से नीचे वाली को क्लीन किया है।
और इसके बाद में आता है ये कटलरी वाला सेक्शन, तो इसमें भी काफ़ी सारा सामान मैंने इसमें एडजस्ट किया था और इसमें पार्टीशन दिए हुए थे बीच में, और इनको मैंने निकाल के अच्छे से साफ़ किया है और फिर सभी चीज़ें अच्छे से सेट की हैं। एक छोटा सा मेरे पास बॉक्स रखा हुआ था ये, तो इसमें मैंने कुछ स्पून फोर्क वगैरह रखे हुए हैं इसमें छोटे छोटे आइटम, और उसके बाद में यहाँ पर मैंने कुछ मसाले पीस के रखे हुए हैं, मोटे पीस कर रखे हैं, मोटे कूट कर रखे जाते हैं, जैसे दरदरा उन्हें पीस कर रखा है, वो एक साइड पर मैंने जिपलॉक पैक में रखे हुए हैं। और ये देखें, ये वाली ड्रॉर भी मेरी अच्छे से क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड हो गई है, ये देखें, और एकदम क्लीन हो गई है। तो इसके बाद में ये मेरा रह गया था कूलर के ऊपर, बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है ये, और वैसे भी ये वाइट है तो और ज़्यादा इससे विजिबल होती है, तो इसको भी मैं अच्छे से क्लीन करने लगी हूँ। और किचन फैन भी मैंने क्लीन कर दिया था, उसकी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था इसलिए मैंने वो वाली क्लिप नहीं ऐड की है इसमें। और आज की वीडियो आपको मेरी ये पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।